दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पाओ बोरिंग जिंदगी से छुटकारा और साथ ही साथ इस घंटे को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों क्या आप मोटे हो और क्या आप अपने मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हो? क्या आपके भी आस पड़ोस वाले आपको मोटा या मोटी कहकर चिढ़ाते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे दिए गए स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप जरूर पतले हो जाओगे। तो आज की स्टोरी बहुत ही मजेदार होने वाली है और आज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वॉचिंग बकचोदी वाला टैक। तो ज्यादा टाइम का छुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों आजकल अमेरिका और इंडिया में दोनों में मोटापे का एक बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है। ना कि एक व्यस्त आदमी में, इट्स ऑल्सो कॉमन इन चिल्ड्रन, जिससे हमारी हेल्थ कंडीशन बहुत ही सीरियस होती जा रही है, जैसे दिल की बीमारी और स्ट्रोक एंड डायबिटीज। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर में मोटापा जिंदगी भर या परमानेंट नहीं रहता है। अगर हम थोड़ा सा भी हार्डवर्क करते हैं तो हम अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल क्या, उसे खत्म ही कर सकते हैं। यह स्टोरी है उस लड़की के जिसने अपनी दो आदतों को छोड़ा और वो आटे की बोरी से सीधा एक टोटा बन गई। टोटा, आई मीन ब्यूटीफुल गर्ल, जिसका नाम है जैसिका बनीतेस। जैसिका को फास्ट फूड बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो रोजाना एक भूखे लकड़ बग्गे की तरह फास्ट फूड खाती थी और उसके बाद वो अपना ज्यादातर टाइम टीवी पर स्पेंड करती थी अपने फेवरेट शोज को देखकर। जैसिका को रोजाना एक ही काम था, खाओ और टीवी देखो। और ऐसे करते करते जैसिका को चढ़ गई जवानी और वो हो गई 19 साल की। जैसिका का वेट 320 पाउंड हो गया और वो अपने आप से ही नफरत करने लगी क्योंकि उसकी सभी सहेलियों का एक बॉयफ्रेंड था। हालांकि आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी एक था, पर जैसिका के मोटापे के कारण उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था। फाइनली आ जाता है 2016। जैसिका ने सोचा पूरी जिंदगी ऐसे नहीं काटनी है, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसिका अपनी गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते थक जाती थी। तो आगे वाली बात को ध्यान से सुनना क्योंकि कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जैसिका बाजार गई और उसने एक टी शर्ट खरीदी, अपने साइज की नहीं, अपने से भी बिल्कुल छोटे साइज की। और उसने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि मैं किसी न किसी दिन उस टी शर्ट के अंदर घुसूंगी, उसको पहनकर दिखाऊंगी। उसने उस टी शर्ट को अपनी दीवार पर लगा दिया और हमेशा उससे देखती रहती थी। उसने अपने मोटापे को खत्म करने के लिए फास्ट फूड को खाना बंद कर दिया, जैसे बर्गर, पिज्जा, चटपटी चीजें जो हमारे खाते रहते हैं इधर, और हेल्थी डिशेस खाने लगी। और अगली उसकी सबसे गंदी आदत थी टीवी को देखना, और उसने टीवी को भी देखना बंद कर दिया। देन उसके बाद उसने यूट्यूब पर वर्कआउट की वीडियोस देखी और अपने घर पर ही वर्कआउट करने लगी। जैसिका तब तक घर पर वर्कआउट करती रही जब तक वो जिम जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हुई। और उसके बाद अपनी जैसिका ने कर दी जिम स्टार्ट। उसने जिम जाने के लिए कार की बजाय 10 मिनट चल के जाना बेहतर समझा। जैसिका यह रोजाना करने लगी और उसका इसके शरीर पर असर भी होने लगा। तो जैसिका के अंदर एक एनर्जी ने जन्म लिया, उसे मजा आने लग गया जिम करने में और वर्कआउट करने में। कुछ भी कर सकती थी अब वो। और जो पिछले 1.5 साल से वो एक टी शर्ट देख रही थी अपनी दीवार पर टंगी हुई, आज उसने वो टी शर्ट पहन ली। जैसिका का ये कहना है कि अगर लंबा जीना है तो मोटापे को जड़ से खत्म करना जरूरी है। अपनी दो आदतें छोड़ दो, फास्ट फूड और टीवी देखना, क्योंकि जब इंसान वेला होता है तो यही सब करता है। टीवी तो फिर भी यार एक झूठ का डब्बा है, तो क्यों इस झूठ को देखते रहते हो? टीवी वो चीज दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है, पर YouTube वो चीज दिखाएगा जो हम देखना चाहते हैं। और आजकल जैसिका Instagram पर फोटो शेयर करती हैं ताकि लोग उन्हें देखें और इंस्पायर हो सकें। वो पहले के कपड़े और आज के कपड़ों में डिफरेंस दिखाती है। जैसिका अब भी वर्कआउट करती है क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है, तो ये आदत अच्छी है। पर आजकल लोग क्या सोचते हैं, बिना कुछ किए पतला होना है जी, बस इसी चमत्कार का इंतजार करते करते और मोटा होते जा रहे हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ कंपनियों ने अपने टोटके भी निकाल दिए हैं। हमारी बेल्ट लो और एक महीने में आप पतले हो जाओगे। तेरी भैन दी छिक्की, ऐसे कैसे पतले हो जाएंगे बे? और सीधा सीधा कहते हैं कुछ भी मत करो, सिर्फ हमारी बेल्ट खरीदो और पतले हो जाओ। इनकी बातें तो साइंस के लेवल से भी ऊपर हैं। दोस्तों इन सब चीजों से कंपनियों का फायदा हो रहा है और आपका बेड़ा गर्क। मुझे पूरा विश्वास है अगर जैसिका जैसी लड़की कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? उठो चलो, ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। तुम्हारे लिए कोई भी नहीं आएगा, तुम खुद हो अपने शरीर के मालिक। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हजारों किलोमीटर की यात्रा एक कदम बढ़ाने से ही शुरू होती है। अगर आपके घर में या रिश्तेदार में कोई ऐसा बंदा है जिसकी आपको बहुत ही ज्यादा फिक्र है तो उसे ये वीडियो शेयर करें। और आज का लाइक एम है 17,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप आराम से कर दोगे, तो ठोको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली टल्ली भी दबा लेना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बिना गाली दिए ओके।